खेती एक सरल व्यवसाय नहीं है। हमारे किसान भाइयों को अक्सर दो चार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी एक मुसीबत हमारे किसान भाई ने लिख भेजी है कि उनके कपास के खेत में गुलाबी सुंडियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो उसको किस तरीके से रोकथाम करें। नमस्कार, मैं शुभम सिंह, हमारे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा कि गुलाबी सुंडी होती क्या है और आप इसे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। जैविक और रासायनिक तरीके से दोनों उपाय मैं आपको बताऊँगा। गुलाबी सुंडी यूँ तो एक वर्म होता है, जो मक्खी होती है जिससे ये पैदा होता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। कपास के पेड़ों में अधिकतर भारत में हर जगह इस पाया जाता है। इससे कपास की कैपेसिटी यानी कि कपास की उत्पादन क्षमता भी कम होती है, उसी के साथ साथ कपास की गुणवत्ता भी कम होती है। कपास की फसल लगाने के 30 से 35 दिन के अंदर इसका पहला प्रकोप होता है, पहला आक्रमण होता है। उसी के बाद 70 से 75 दिन बाद इसका दूसरा हमला होता है। अगर हम इस गुलाबी सुंडी की यानी कि पिंक बॉल वर्म की बात करें तो इसका जीवन चक्र काफ़ी लंबा नहीं होता है, पर ये दोबारा बढ़ते जाते हैं एक खेत में। मैं बताना चाहूँगा कि जो मादा मक्खी होती है वो पेड़ों में अंडे देती है, वो पेड़ों की पत्तियों में सॉफ्ट पत्तियों पे अपने अंडे दे देती है। वहाँ से जब ये लार्वे पैदा होते हैं तो ये पतले धागे के बराबर होते हैं। वहाँ से ये सीधा फूलों में आते हैं। फूलों में जब आते हैं तो ये वहाँ पे फूलों को ये चारों तरफ से बांध देते हैं अपने रेशों से, ताकि फूल खिल ना सके, और फूल खिलने नहीं खिलता है जिससे फूल झड़ने लग जाते हैं। उसी के साथ साथ ये फूल के अंदर जो परागण वाला एरिया होता है, जहाँ से हमारे पेड़ में फूल तैयार होते हैं, फल तैयार होते हैं, जिससे हमारी कपास तैयार होती है, उनको अंदर ही अंदर खाने लग जाता है, जिससे फूल एक विकसित फल में नहीं बदलता है। दूसरा इसका प्रकोप होता है कि जब सुंडी थोड़ी बड़ी हो जाती है, जब वो फूलों को खा लेती है, उसके बाद इसका दूसरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है जब फूल हमारे एक फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब फल बन जाते हैं, और फलों के अंदर जब कपास बनना लग जाता है, जब बीज बनने लग जाते हैं, उस समय ये पतला सा छेद करके उसके अंदर चले जाती है। वहाँ पर ये उसके अंदर के बीजों को खाने लग जाती है, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब होती है, और उसके साथ साथ जो कपास के रेशे होते हैं वो भूरे कलर के हो जाते हैं, और कभी कभी फूल झड़ने भी और गिरने भी लग जाते हैं। ये प्रभाव इसका हमेशा बना रहता है। पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये गुलाबी सुंडी, इसका जीवन चक्र यूं ही चलता रहता है खेत में। जब आप अपनी फसल काट लेते हैं उसके बाद भी ये ज़मीन पे इसकी जो सुंडी है वो गिर जाती है, वो ज़मीन के अंदर धंसी रहती है और एक तरीके से निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती है। जब आपका दोबारा सीज़न आएगा तो ये अंदर से निकल के दोबारा पेड़ों में प्रभाव करने लग जाती है। इससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, मैं अब आपको वो क्रमबद्ध तरीके से बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले, आप कपास की खेती अगर लगातार कर रहे हैं 5-6 सालों से, तो कुछ समय के लिए कपास की खेती अपने खेत में ना करें। एक या दो फसल चक्र के लिए आप अपनी खेतों को क्यों ही खाली छोड़ दें। जब मई जून में तपती धूप हो तब आपको अपने खेत में गहरी जुताई करनी है, ताकि जो जमीन के अंदर पड़ी हुई सुंडियाँ हैं वो ऊपर बाहर आ जाए और धूप से वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद क्या करना है आपको, कि आपको बीज लेना है। बीज ऐसी जगह से लेना है जो बीज अच्छे तरीके से उपचारित हों और जिन बीजों में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो। जब आप बीज लगाएं तो उसी के साथ साथ आप ट्रैप क्रॉप, जिसे हम बोलते हैं, आपने जब भी कपास की बीज खरीदे होंगे तो उसके साथ आपको एक छोटा सा पाउच मिलता है जिसमें आपको 50-60 अलग बीज मिलते हैं। वो बीज ट्रैप क्रॉप के होते हैं, मतलब कि ऐसे क्रॉप, ऐसी फसलें जो आपको अपने खेत के अगल बगल लगानी, ताकि जब सुंडी का प्रभाव हो तो वो उन पेड़ों में ज़्यादा समय तक रहेंगी, आपके कपास के पेड़ों में नहीं रहेंगी। तो ऐसी फसलें आपको अपने अगल बगल लगानी है। आप मक्का, बेबी कॉर्न, जौ, बाजरा जैसी फसलें भी अपने खेत के अगल बगल लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको जब आपका पेड़ 25 से 30 दिन का हो जाए, जब सुंडी का प्रभाव शुरू होना लग जाए, तब आपको अपने खेत में नीम ऑयल, ये जैविक तरीका है, नीम ऑयल का छिड़काव करना है। नीम ऑयल की छिड़काव करने की सबसे खास बात ये है कि ये मक्खियों में उनके बच्चे जन्मने की और बच्चों से अंडा पैदा होने वाली क्षमताओं को ख़त्म कर देता है। आपको इसको हर 15 से 20 दिन के अंतराल में रिपीट करना है। 70 दिन तक आपको इसको लगातार करते रहना है। इसी के साथ साथ आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना है। आपको एक एकड़ में 10 से 11 फेरोमोन ट्रैप लगाने। अगर आपके फेरोमोन ट्रैप के अंदर आपको नर मक्खी अगर दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके खेत में गुलाबी सुंडी का प्रभाव जल्द ही होने वाला है। इससे बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा रासायनिक तरीका क्या है। इससे बचने के लिए आपको DSP 99 लेना है। इसी के साथ साथ एलोब्रोन लेना है। इन दोनों को आप
डाल सकते हैं अपने खेत में। इन दोनों को आपको 15-15 दिन के अंतराल में या फिर 20-20 दिन के अंतराल में डालना है। 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको अपने खेत में छिड़काव करना है। पर मैं आपको एक खास बात ये बताना चाहूँगा कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप रोकने के लिए आपको समय के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि इनके प्रकोप होने से पहले ही आपका इसको उपचार करना पड़ेगा। अगर प्रकोप एक बार हो गया, अगर इनका हमला हो गया, तो इसके बाद कोई उपाय नहीं है जो आपके खेत को बचा सके। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जो भी हमने आपको कार्य बताए हैं, उनको ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका खेत बचा रहे और आप अपनी कपास की बेहतरीन खेती कर सके और उसका अच्छा दाम ले सके। मैं इस कार्यक्रम में आपसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।